आजकल YouTube पर एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है, वो है रियूज कंटेंट। चाहे तो आप ग्रीन स्क्रीन वीडियो बना रहे हो तो आपके में जब आपका पूरा क्राइटेरिया पूरा हो जाता तो भी आपके में रियूज कंटेंट आ रहा है, मैक्सिमम लोगों में आ रहा है। और बहुत से लोग यहाँ पर वीडियो पर फुल वॉइस ओवर कर रहे हैं, अच्छे से एडिट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर अपलोड करते हैं, जब उनका क्राइटेरिया पूरा हो जाता है, जब मोनेटाइजेशन के लिए भेजते हैं, फिर भी उनके में आ रहा है रियूज कंटेंट। आखिर में ये क्यों आ रहा है? ये आपकी गलती से आ रहा है कि यूट्यूब की गलती, इसकी वजह से आपको रियूज कंटेंट मिला, ये आज की वीडियो में पूरा डिटेल से बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप ग्रीन स्क्रीन पे काम करना है, ठीक है, ग्रीन स्क्रीन वीडियो बना रहे हैं तो भी ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी का वीडियो लेकर उसके ऊपर वॉइस ओवर कर रहे हैं फुल सही तरीके, जैसे कि आपने देखा बहुत से जो शॉर्ट क्रिएटर है वो कहीं ना कहीं से वीडियो लेते हैं, जो लोग मतलब शॉर्ट चैनल बनाए जिसमें उनका ना फेस रहता ना कुछ रहता, सिर्फ वीडियो रहती है और वॉइस रहता है, अपनी एक स्टोरी क्रिएट करते हैं और वहां पर वो वीडियो अपलोड कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप भी उस तरीके काम कर रहे हैं और आपने अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेजा है और आपके में रियूज कंटेंट आ गया है, तो घबराना नहीं है। क्यों आया, क्या गलती आपने की, वो मैं आज की इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा। ठीक है ना, वीडियो आपको पसंद आते वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर किया कि अपने दोस्तों यार देखो, अगर शेयर करने से फायदा आपका भी है और उस बंदे का भी है। आपका फायदा क्या कि आप उस बंदे को बता रहे हो भाई ये वीडियो देख लो, आप गलती कर रहे हो तो सही कर लेना, और आपका फायदा ये कि भाई वो बंदा कहेगा इन्होंने यार मुझे बताया नहीं तो मैं बहुत बड़ी गलती कर दी थी अपने चैनल पर, जिससे कि हमारे चैनल को मोनेटाइज ही नहीं होता। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हैं, तो शेयर जरूर किया करो, वीडियो दूसरे का भी भला होगा तो आपका भी भला होगा। ठीक है ना, देखो अब मैं आपको बताता हूँ आज में, अगर आप एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो बना रहे हो, ठीक ना, देखो मैं अभी दोनों ही बताऊंगा, अगर आप किसी का वीडियो के ऊपर वॉइस ओवर करके अपलोड कर रहे हो तो रियूज कंटेंट आ रहा है, तो क्यों आ रहा है वो बताऊंगा, और ग्रीन स्क्रीन पर रियूज कंटेंट इस टाइम बहुत ज्यादा आ रहा है, क्यों आ रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं ग्रीन स्क्रीन पर आखिर में जो रियूज कंटेंट आ रहा है वो क्यों आ रहा है, ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि देखो आप लोग काम तो कर रहे हो, ठीक है ना, शॉर्ट वीडियो बना रहे हो और काम कर रहे हो, ठीक है ना, लेकिन आप सही तरीके से उस ग्रीन स्क्रीन को फॉलो नहीं कर रहे हो। ठीक है ना, बहुत से लोग क्या करते हैं, ग्रीन स्क्रीन वीडियो बनाते हैं, अपना वीडियो इतना नन्ना सा कर देते हैं, बिल्कुल कोने में छुपा देते हैं, खाली यहाँ तक सर दिखता है और फिर कुछ नहीं दिखता है, और बस सर हिलाते रहते हैं और एक्टिंग करते रहते हैं और हो गया, ऐसा नहीं करना। ठीक है ना, तो जब भी आप एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो अगर आप बना रहे हैं, ठीक है, तो नीचे आपका मतलब इतना तो रहना चाहिए, दिखना चाहिए आपका फेस, साथ ही साथ उस पर आपको प्रॉपर तरीके से, ठीक है, प्रॉपर तरीके से आपको वॉइस ओवर करना है। ठीक है ना, वॉइस ओवर का मतलब है कि जो भी उस वीडियो में हुआ है, जो भी कंटेंट है, ठीक ना, कॉमेडी से रिलेटेड है, जैसा भी, आप उसको हंसी मजाक तरीके से बोलो, ठीक है, शुरू से लेके आखिरी तक आपको बोलना है, जैसा जैसा रिएक्ट हो रहा है वैसे वैसे आपको रिएक्ट करना है उसमें। ठीक ना, अगर आप ऐसा करते हो तो आपके में कभी भी रियूज कंटेंट नहीं आएगा, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पर सिर्फ वीडियो चालू कर लिया, वीडियो चालू करने के बाद बस सर हिला रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग साथ हुआ, ऐसे मेरे पास कितने लोग आ चुके हैं जो अभी तक का रो रहे हैं। ठीक है ना, तो भाई जब सही तरीके से काम करोगे, फिर बोलते हो भाई मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, यूट्यूब ने मुझे रियूज कंटेंट दिया, आप हटवा सकते हो, भाई ऐसे थोड़ी ना हटता है। यूट्यूब पर जितनी भी चीजें हैं ना, वो रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलती है। ठीक है ना, हर चीज का एक रूल है, तो आप लोग रूल फॉलो ही नहीं करोगे तो कहाँ से कुछ होगा। ठीक है, तभी मैं बोलता हूँ हर बार कि भाई आप जब ग्रीन स्क्रीन वीडियो बना रहे हो ना, तो उसमें वॉइस ओवर फुल करना है आपको, शुरू से लेके आखिरी तक। ठीक है, और बहुत से लोग यहाँ पर बोलते हैं भैया हमारे में ग्रीन स्क्रीन का ऑप्शन नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि उस बंदे ने ग्रीन स्क्रीन बंद करके रखा है, तो कुछ कुछ वीडियो में आपको ग्रीन स्क्रीन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है ना, आप भी चाहो तो बंद करके रख सकते हो। ठीक है, बंद करने का भी ऑप्शन आता है ग्रीन स्क्रीन, अगर आपकी वीडियो पर कोई भी रिएक्ट ना कर पाए, कोई भी ग्रीन स्क्रीन वीडियो ना बना पाए, कोई कोलैब वीडियो ना बना पाए, तो आप बंद कर सकते हो उसको। ठीक है, ये भी यूट्यूब ने फीचर्स दिया है, तो मैक्सिमम लोग क्या है, नहीं बंद नहीं करते, बोलते कि यार मेरा ही फायदा है, वो बंदा यूज करेगा तो दूसरा देखेगा, तीसरा यूज करेगा, ऐसे बढ़ेगा। भाई ग्रीन स्क्रीन चालू रखो, कोई दिक्कत नहीं, कोलैब वीडियो भी चालू रखो, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है ना, तो इससे आपका ही फायदा होता है, अगर आप बंद करो तो और भी ऑडियंस आपको जो नहीं आने वाली है वो नहीं आएगी। ठीक है, अब बात है भाई, जो सबसे बड़ी चीज है रियूज कंटेंट, अगर मान लो आपके पास रियूज कंटेंट आ भी गया तो डरना नहीं। ठीक है, करना क्या है, फिर से नए तरीके से वीडियोज बनानी है, फुल वॉइस ओवर करना है। ठीक है ना, एक दो वीडियो करके डिलीट करना और एक दो चार पांच वीडियो बनाना, दो डिलीट करना चार बनाना, दो डिलीट करना चार बनाना, इस तरीके से आप अपने चैनल का जो बैलेंसिंग है ना, बैलेंस है वो मेंटेन रहेगा। तो इसकी वजह से आपके चैनल पर जो प्रॉब्लम है ना रियूज कंटेंट वाली, ठीक है ना, उसकी वजह से आपका चैनल का रीच नहीं डाउन होगा। जब आप वीडियो डिलीट करते हो, ठीक है ना, और रियूज कंटेंट आता है, तो बहुत से लोग सारी डिलीट कर देते हैं, उनके चैनल में व्यूज आना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने एक साथ सारी वीडियो डिलीट कर दी,
आपका रीच डाउन हो चुका है। अब जब रीच डाउन हो जाता है तो फिर आप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तभी मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई अगर आपके में रील्स कंटेंट आया तो आप एक एक वीडियो डिलीट करिए, दो दो डिलीट करिए, क्योंकि आपको टाइम तो मिल गया महीने भर का। अगर पहली बार आया, अगर दूसरी बार लो आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है, फिर आया रील्स कंटेंट, तीन महीने का टाइम होगा। अगर एक बार रील्स कंटेंट आया, फिर आपने अप्लाई कर दिया, फिर रील्स कंटेंट आ गया, तो तीन महीने का। पहली बार आपको 30 दिन का मिलता है, ठीक है, मान लो 30 दिन का आ गया, तो 30 दिन का टाइम मिल चुका है। 30 दिन में तीन दिन वीडियो पर डे डिलीट कीजिए, छह पांच वीडियो बनाइए पर डे, है ग्रीन स्क्रीन वीडियो, सब जरा देना 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है, तो बना सकते हो आप इस तरीके से ग्रीन स्क्रीन वीडियो, ठीक है, बना के अपलोड करिए और सही तरीके से काम की, पूरा फुल वॉइस ओवर कीजिए। अब बात करते हैं जो लोग कहीं इधर से चाइनीज कंटेंट उठाते, कहीं से उठाते, जो हम वॉइस ओवर करते हैं उसमें वॉइस ओवर समझो हमें करना कहते हैं कि हमारे में बिल्कुल भी रील्स कंटेंट है, क्योंकि आपको ये सब लोग नहीं बताते हैं। आप में से 90% लोग जो वॉइस ओवर करके वीडियो बना रहे हैं उनके तो रील्स कंटेंट आ रहा है। मेरे पास मैसेज आते हैं, डेली मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं, इंस्टाग्राम यूट्यूब फेसबुक हर जगह कमेंट आते हैं कि मेरे रील्स कंटेंट है, क्योंकि आपको पता है जो लोग चला रहे हैं ना, जो चाइनीज कंटेंट यूज कर रहे हैं और वीडियो अपलोड कर रहे हैं, और जो वो सिखा रहे हैं वो गलत तरीका आपको सिखा रहे हैं। वो साथ साथ बुला लिए, यहाँ से वीडियो उठा लिया, यहाँ से लेके इसमें हमने वॉइस ओवर कर दिया, ऐसा नहीं करना जाता है भाई। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहली चीज, आपको दो फोन होने चाहिए, ठीक है, समझिएगा मेरी चीज बात को। अगर आप चाइनीज कंटेंट उठा रहे हैं तो मेरी बात को समझिएगा, कैसे एडिट किया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग, आपको पता है जिनके मिलियन में सब्सक्राइबर जरूर है, जो वो करते हैं वो आपको नहीं सिखाते हैं, सिखाते वो जो नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो समझो मैं आपको बता रहा हूँ करना क्या है। सबसे पहले आपको एक फोन रख लेना सामने, ठीक है ना, और एक फोन हाथ में रख लेना। अब आपको एक स्टोरी क्रिएट करनी है, ठीक है ना, स्टोरी क्रिएट करनी है वीडियो देख देख कर, क्या स्टोरी है, किस तरीके की आपको स्टोरी क्रिएट करनी है। अब आपको एक माइक लगा लेना है, यहाँ पर सामने फोन से आपका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, कैमरा चालू कर लिया, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। अब आप बोलते जाइए, जो भी स्टोरी आपको क्रिएट करनी है उस कैमरे में आपका रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक ना। अब जब आप ऐड, मान लीजिए आपका इधर स्टोरी पूरा हो गया, उधर आपने रिकॉर्ड कर लिया, आप बंद कर लेंगे, ठीक है ना। उस जो वीडियो रिकॉर्ड किए उसको हम पहले पूरा फुल तरीके से एडिट कर लेंगे, अच्छे से एडिट कर लेंगे, जो भी हमें करना है सब कुछ करने के बाद एडिट कर लेंगे। फर्स्ट लेयर पर जो हमने वीडियो रिकॉर्ड किया है, ठीक है ना, जो वीडियो हमने रिकॉर्ड किया है उसको रखेंगे। सेकेंड लेयर पर जो वीडियो हम देख रहे थे, जिसको हमने वॉइस ओवर किया, उस वीडियो को रखेंगे, ठीक है ना। और फिर उसको एक्सपोर्ट करेंगे सही तरीके से और सही तरीके से एडिट करेंगे। देखो फर्स्ट लेयर जो होती है वो इंपॉर्टेंट लेयर होती है, जो कि हमने अपने कैमरे से मतलब कि रिकॉर्ड की। रिकॉर्ड करने के बाद में हमें अपने लेयर के ऊपर लगा लेना है, ठीक है ना, अपनी लेयर के ऊपर लगाना है, और उसके ऊपर जिस चीज के बारे में मैंने बताया, जिसके ऊपर मैंने वॉइस ओवर किया है वीडियो बनाकर, उसको उसके ऊपर ओवरलैप करना, ठीक है, मतलब सेकंड लेयर में। फिर उसमें एक छोटी सी म्यूजिक लगा दी, बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दी, जो भी आपको लगाना है, जो इफेक्ट लगाना है, जो भी छोटे छोटे इमोजी टाइप के लगाने, ठीक है, जो मतलब मीम्स टाइप के आते हैं वो लगाना, कुछ भी लगाना वो आप लगा सकते हो फिर वहाँ पे, ठीक है। इससे कभी भी आपके चैनल पर रील्स कंटेंट नहीं आएगा, जो तरीका मैंने एडिट करने का आपको बताया, ठीक है। यहाँ पर जो लोग आपको बता रहे हैं ना कि ऐसा करना है, हम ऐसे करते हैं, सब फेक बताते हैं आधे से ज्यादा लोग, ठीक है, क्योंकि अगर आप उस तरीके से करोगे रील्स कंटेंट आएगा, सब्सक्राइबर तो आ जाएंगे, रील्स कंटेंट आएगा, फिर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। जो लोग आप, मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ हर बंदा गलत बता रहा है, कुछ बंदे ऐसे हैं जिन्हें 70-80% लोग हैं जो गलत बता रहे हैं, मैंने देखा है, मैंने बहुत लोगों के इंटरव्यू देखे हैं, वीडियो देखे, भाई मेरे 10 मिलियन हो गए, मेरे 5 मिलियन हो गए, तरीका गलत बता रहे हैं आपको एडिट करने का, ठीक है ना, तरीका गलत बता रहे हैं, वो चीज़ है वो ऐसे नहीं एडिट किया है, इसीलिए रील्स कंटेंट आता है। वो सही तरीके से कर रहे हैं अपना वीडियो, लेकिन आपको गलत तरीका सिखा रहे हैं कि ऐसे एडिट करना है ना भाई, ऐसे एडिट करने से कभी भी आपके में चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, हमेशा रील्स कंटेंट आएगा। इसीलिए कहते हैं सही तरीका सीखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर लोग आपको मूवी अपलोड करना सिखा रहे हैं, सीरियल अपलोड करना सिखा रहे हैं, भाई सही चीज कोई नहीं बता रहा है कि आखिर में करना कैसे सही, ठीक है ना, सही तरीका क्या है। आप भी कर लो, जो वो तरीका बताते हैं वैसे कर लो, रील्स कंटेंट 100% आएगा आपके लिए, आएगा रील्स कंटेंट, तो तरीके अलग है ना ये सारी चीजें एडिट करने के। लोग आपको छोटी छोटी, मतलब खुद एक घंटा लगाते हैं एडिट करने में, आपको 10 मिनट में सिखा दिए, भाई कौन सा तरीका है बताओ। अगर आप सही तरीके से काम करेंगे तब भी कम से कम 35 मिनट का वीडियो बन जाएगा एडिट करने में, ठीक है ना, एडिट करने में 35 मिनट का। तो वही चीज है ना, जो सिखा रहे हो तो भाई सही से सिखाना है आपको, ऐसा नहीं सिखाना है कि भाई काम चलाने वाला सिखा दिया छोटा छोटा बस हो गया, सिखाओ तो भाई सही से, नहीं तो मतलब मत सिखाइए, ठीक है ना। तो यही सारी चीजें जो कि देखिए रील्स कंटेंट आपके में आता है, कैसे हटाना है ये मैंने सारी चीजें बताई आपको,
क्यों आता है, किस वजह से आता है, ये भी समझा दिया। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आता है, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता है किसी और वीडियो तो जाए।